हिंदी कक्षा 5 प्रथम सत्र पेज नंबर 20 पाठ 4 सोच अपनी अपनी। ये क्या एक प्रकृति दृश्य हमें दिखाया गया है। यह प्रकृति की गोद में बसे हुए एक गांव का दृश्य है। ये क्या है एक पूरे गांव का दृश्य है। और इस चीज इसमें क्या दिख रहा है प्रकृति के चित्र दिख रहे हैं, प्रकृति दिख रही है। सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है, आपको दिख रहा है सूर्योदय मतलब सूरज निकल गया है। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। ये आपको दिख रहे हैं आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं तो ये कहाँ जा रहे हैं दाना चुगने के लिए जा रहे हैं। चरवाहे भी अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। ये आपको दिख रहा है चरवाहे और ये गाय अपनी गाय लेकर ये क्या करे चराने के लिए निकल पड़े हैं उनको खाना खिलाने के लिए, क्योंकि गाय क्या करती है चरती है। रास्ते के नज़दीक एक बगीचे का दृश्य है। ये आपको दिख रहा है रास्ता है और यहाँ नज़दीक क्या एक बगीचे का चित्र और ये बच्चे क्या करे खेल रहे हैं बगीचे में। दो लड़कियाँ रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है और एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। ये आपको दिख रहा है दो लड़की रंग बिरंगी तितली के पीछे दौड़ रही है और ये लड़का भी तितली के पीछे ही जा रहा है। सूर्य पर्वत पशु पक्षी घर मंदिर पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा सुंदर लगता है। आपको दिख रहा है पर्वत है फिर पशु पक्षी है उसके कारण क्या दिख रहा है ये चित्र बड़ा ही सुंदर और मज़ेदार दिख रहा है। अभ्यास प्रश्न एक, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं, तो सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं दाना चुगने के लिए जा रहे हैं। फिर दूसरा सवाल हमारा, चरवाहा क्या कर रहा है, तो चरवाहा अपनी गाय चराने के लिए ले जा रहा है। फिर तीसरा सवाल, नारियल के कितने पेड़ है, तो कितने पेड़ है नारियल के एक और दो, दो पेड़ है। चित्र में कितने घर है, चित्र में 5 घर है, ये 1 2 3 4 5 घर है। बगीचे बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं, तो बच्चे बगीचे में रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भाग रहे या फिर उनके साथ खेल रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है, तो चरवाहे के हाथ में क्या है लकड़ी है।